মহর্ষি বাল্মীকির আবির্ভাব দিবস পালন করা হলো ব্যারাকপুরে। উপস্থিত সংসদ। মহর্ষি বাল্মীকির আবির্ভাব দিবস পালন করা হলো ব্যারাকপুরে অখিল ভারতীয় বাল্মীকি মহাসভার পক্ষ থেকে। রবিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান উত্তম দাস, ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অর্ঘনন্দজি মহারাজ, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন সহসভাপতি কাশীনাথ সাহা, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য শিকদা দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং দেশকে বিভিন্ন ভাষা দিয়ে ভাগ করা চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, हिंदी भाषियों के ऊपर अटैक कर रहे। मैंने कहा इस हर राज्य में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो भाषा के नाम पर अपने अहमियत को बनाना बचाना चाहते हैं। आप देखे होंगे महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हो गया, उनके एक नेता हुआ करते थे राज ठाकरे, जो कुछ लोगों को समुदाय के लोगों पर हमला करवा देते, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती, उनकी दुकानें तोड़ दी जाती, अब खत्म हो गए। आज इस देश में हर राज्य में हर आदमी को रहने का अधिकार है, हर आदमी को इस देश का जो नागरिक है। अरे हम तो इतने बड़े हैं कि हम दूसरे देश के नागरिक को अब यहाँ रहने के लिए शरण दिए हुए। इस देश के नागरिक इतना ऊंचे विचार के लोग हैं, आज मुगल शासन करने आए और उनको हम लोगों ने जगह दिया, उनको अपनाया। आज एक समय था कि लाखों की संख्या में रिफ्यूजी आए बांग्लादेश से, हमने उनको शरण दिया, हमारे देश ने उनको शरण दिया। आज उत्तराखंड से लेकर, झारखंड से लेकर, बिहार से लेकर आप चले जाइए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आप पोर्ट ब्लेयर चले जाइए, हमारे बांग्लादेश के रिफ्यूजी आकर वहां बस गए, बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए। तो हमारा देश जो है सबको अपनाता है, यहाँ तोड़ने की जो भी कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई और हो। ऐसे कभी कभी कुछ लोग अपनी अहमियत बनाने के लिए आते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे लोग हमेशा से मिट जाएंगे। ऐसे लोगों से कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, कोई भी समझने की बात नहीं है, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है। ব্যারাকপুর থেকে সৈকত গাঙ্গুলী, রিপোর্ট চ্যানেল 24/7।